नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्माना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, आइए श्रावण मास के अनेक पर्वों में से एक पर्व एकादशी का कृष्ण पक्ष की, जिसको हम कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। यह पर्व जो है 24 जुलाई को पड़ेगा। यह श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसे पवित्रा के नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करा के भोग लगाना चाहिए। आचमन के पश्चात धूप दीप चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती उतारनी चाहिए। कथा इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहते थे। क्रोधी ठाकुर की एक ब्राह्मण से भिड़ंत हो गई। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण मारा गया। इस पर उन्होंने उसकी तेरहवीं करनी चाहिए, मगर सब ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने सभी ब्राह्मणों से निवेदन किया कि भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस प्रार्थना पर उन सब ने कामिका एकादशी व्रत रहने की आज्ञा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया और रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास जब वह शयन कर रहा था, तभी एक स्वप्न हुआ। स्वप्न में भगवान ने कहा, हे ठाकुर, तेरा सब पाप दूर हो गया, अब तू ब्राह्मण की तेरहवीं कर सकता है। तेरे घर का सूतक नष्ट हो गया। ठाकुर तेरहवीं करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो विष्णुलोक को गया। पवित्रा एकादशी इसलिए करते हैं कि ब्रह्म हत्या जैसे अघोर पाप को भी यह एकादशी अपने मनोयोग से पवित्र कर देती है। इसी का नाम पवित्रा एकादशी है। यह 24 जुलाई को मनाई जाएगी। इस एकादशी में अनेक प्रकार के पापों से युक्त यदि व्यक्ति इस एकादशी को करता है, भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हुए उसे यशमान वृद्धि कराते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।